हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेमिंग पीसी वाला। और फिलहाल तो आज का जो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा वो है हमारा इंटेल का 14900K। मतलब मैं बात करूंगा कि जो प्रोसेसर हम इस सिस्टम में आज हम बिल्ड करने वाले हैं वो करने वाले हैं i9-14900K। और इस सिस्टम को बिल्ड करने के लिए हमारे साथ में भैया आए हैं। क्या नाम है भैया आपका? साहिल वर्मा नाम है भैया। साहिल वर्मा, और साहिल भाई कहाँ से आए हो आप? हम वैसे तो अयोध्या उत्तर प्रदेश से हैं भैया, पर अभी दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो ये जो इतना भारी भरकम सा जो सिस्टम बिल्ड करवाने आए हो आप, यूज क्या करने वाले हो? यूज यही है भैया, अभी हमारा क्लास चल रहा है एनिमेशन और VFX वगैरह का, तो बर्डन रहेगी। बाद में हम सोचेंगे अगर स्टूडियो वगैरह ओपन करते हैं तो इसको बाद में इसी पे शिफ्ट कर देंगे, बाद में बजट का टेंशन नहीं रहेगा दोबारा से। भाई तंगड़े लेवल का जो है आज का पीसी बिल्ड होना है। और गाइस हमारा जो है, जैसे कि हर वीडियो में हम गिव अवे करते हैं, तो आज का गिव अवे क्या होने वाला हम उसके ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। तो गिव अवे में रहने वाला है हमारा ये वाला आपका टैबलेट। और इस टैबलेट में क्या है, ये राइटिंग पैड हम इसको बोलते हैं, ये डिजिटल राइटिंग पैड है। और ये जो है भाई DECO-01V2 मॉडल है इसका, और ये आपको गिव अवे में मिल सकता है। इसके लिए कुछ नहीं करना है, 10 लोगों को ये वाली वीडियो शेयर करनी है। साथ में इंस्टाग्राम पे मेरी इस वाली वीडियो का लिंक जो है आपको अपनी स्टोरी पे लगाना और मेंशन करना है गेमिंग पीसी वाला को। और साथ में आपको 10 कमेंट करने हैं वीडियो में जो आप वीडियो देख रहे हैं। ये जो है मैंने क्या करा है भाई, इसमें क्या है कि एक बंदे को, किसी लक्की विजेता को ये वाला आपको टैबलेट मिल सकता है। तो मिल सकता है क्या? मिलेगा ही मिलेगा, एक लक्की विजेता को मिलेगा जिसके अच्छे कमेंट होंगे, सबसे ज्यादा वीडियो शेयर होगा। मेरे दिए गए नंबर, जो नंबर स्क्रीन पर है वहां पर आप स्क्रीनशॉट शेयर करे हुए वीडियो का जो है आप स्क्रीनशॉट भेजे, किसी एक लक्की विजेता को ये मिल सकता है। तो गाइस ये बात रही कि बिना सिस्टम खरीदे आप एक गिफ्ट ले सकते हैं, और ये गिफ्ट लेने के लिए फिलहाल मैं इसको अभी इधर रख दे रहा हूँ। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों का कि आप कब भेज रहे हैं, कमेंट कब कर रहे हैं, तो बस सपोर्ट करो और ये लेके जाओ। तो फिलहाल गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंटेल के प्रोसेसर पे, जहाँ पर हम थे वहाँ आ जाते हैं। और ये सिस्टम बिल्ड है हमारा 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए में हम जो है क्या क्या यूज करने वाले, कंपोनेंट क्या क्या देने वाले हैं, तो हम साहिल भाई से हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो कंपोनेंट आप ले रहे हैं आज हमारे से 4 लाख रुपए में, वो उसकी नॉलेज आपको कहाँ से मिली? सर हमारे सर ने दिया नॉलेज। अच्छा, आप के कोई टीचर हैं, उन्होंने आपको नॉलेज दिया कि भैया आपको ये लेना है। एंड मैं ये चीज जानना चाहता हूँ साहिल भाई, गेमिंग पीसी वाला के बारे में कैसे पता चला कि भाई मुझे गेमिंग पीसी वाला? हम इंस्टा के फीड में आया था रील, तो हमने फॉलो भी कर रखा है पहले से, और सर भी यहाँ से पीसी वगैरह बनवा चुके हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यहाँ से लेते हैं। तो आप कितने संतुष्ट हैं, आपको लगता है कि गेमिंग पीसी वाला से लेने से ये ठीक रहेगा कि भाई बढ़िया रहेगा? नहीं, आपने और भी कहीं ट्राई किया? नहीं, कहीं नहीं ट्राई किया है, सर ने बताया कि वर्क यहाँ पे जेन्युइन मिलता है। अच्छा, और अच्छी खासी रेट भी मिल जाती है। जी भैया, तो गाइज जेन्युइन प्रोडक्ट के लिए गेमिंग पीसी वाला को जो है चूज कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस एकदम बेस्ट है यहाँ पे, कोई ऐसा बात नहीं करता। हाँ भैया बिल्कुल, सबसे फ्रेंडली बात चलती है एकदम प्यार से। चलो तो साहिल भाई एक काम करते हैं, हम जो है सिस्टम बिल्ड करना शुरू करते हैं, नहीं तो ये लोग बोर हो जाएंगे हम लोगों से। ठीक है भाई, तो हम शुरू करें। तो फिलहाल हम जो है भाई, अब सबसे पहले i9-14900K को अनबॉक्स करते हैं। इंटेल का प्रोसेसर है भाई का, और भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे सारे प्रोडक्ट सील पैक होते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग हमें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अनबॉक्स जो है वही होता है जो सील्ड पैक होता है। तो भाई ये जो है आपका, तो भाई ये देख सकते हैं, ये जो है प्रोसेसर i9 में 14900K तो अनबॉक्स हो चुका है। और जो है बात करेंगे, जैसे कि मैंने बताया ये सिस्टम हमारा बिल्ड होना है i9-14900K के साथ में, तो हमारा CPU आ गया बाहर। और हमारे साथ में आज जो बिल्ड करने वाला है वो है धीरज, जो हमारा इंजीनियर है आज का। तो धीरज भाई शुरू करें भाई, शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं बॉक्स को, बॉक्स सारे खाली खाली हम जल्दी जल्दी हटाएंगे। प्रोसेसर को अनबॉक्स कर लिया, अब इसके बाद में करते हैं रैम की अनबॉक्सिंग। और रैम लिया भैया ने ट्राइडेंट जी स्किल की, ट्राइडेंट है Z5 RGB, इसकी बात करेंगे भाई इसमें क्या क्या है। तो भाई ये है DDR5 की 6000 MHz और 32x2, मतलब 64 GB की भाई ने जो है रैम ली है,
और जो होने वाली है भाई आरजीबी ट्राइडेंट Z5 आरजीबी भाई, पैकिंग तो भाई जी स्किल की लाजवाब है भाई, सुपर मजा ही आ जाए। और इसकी बिल्ड क्वालिटी देखोगे ना हेडसिंग की, मजा आ जाएगा। इसकी खास बात जो है वो यही है कि भाई लाइफ टाइम वारंटी वो सभी देते हैं भाई, ये भी लाइफ टाइम वारंटी के साथ ही है। एंड जी स्किल अच्छी ब्रांड है, कोई इशू ही नहीं है। बात करेंगे भाई SSG भैया ने लिए हैं 2 1TB की, एक है एंड दूसरी 1TB की है, मतलब 1 1TB की 2 SSG लिए हैं। और ये है जनरेशन 4 की। इसकी स्पीड की अगर मैं बात करूंगा तो भाई इसकी स्पीड है 7300 Mbps/s जनरेशन 4। एंड वारंटी की बात करेंगे तो कंपनी इसकी वारंटी देती है 5 ईयर, ये 5 साल की वारंटी में है। इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर लगी होती है एक हीटसिंक, एक SSG के साथ एक हीटसिंक, 2 SSG के साथ 2 हीटसिंक। तो फिलहाल इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये गीगाबाइट की ओरस होती है भाई, सबसे प्रीमियम क्वालिटी की, मेरे को बहुत अच्छी लगती है इसकी SSD, गीगाबाइट की SSD भाई, बहुत अलग ही लेवल की है, मैं तो इसको बहुत अच्छी मानता हूँ। और ये अनबॉक्स यहाँ से, और इसके बाद एक और यहाँ पे पैकिंग खोलनी पड़ेगी भाई, ये दो जगह पैक करते हैं। ये देखो भाई इसमें हीटसिंक आती है साथ में, मैं दिखाता हूँ एक एक करके आपको। ओ भाई तो SSD इन्होंने यहाँ पे पैक कर दी, तो SSD आप देख सकते हैं यहाँ पे एक SSD यहाँ हो गई, साथ में एक हीटसिंक डाल के दी है। अभी मुझे देखना पड़ेगा कि मदरबोर्ड में हीटसिंक है या नहीं है, अभी फिलहाल क्या है कि हीटसिंक हम जो है निकालेंगे नहीं, बिकॉज हीटसिंक मदरबोर्ड के अंदर होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और अभी जो है ये देखो, ये हो गई आपकी 1 1TB की 2 SSD। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इसमें मदरबोर्ड कौन सा है, तो मदरबोर्ड के ऊपर भी मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ। तो मदरबोर्ड है ये वाला, और ये है आपका आसूस का टफ गेमिंग Z790+Wi-Fi। ये जो मदरबोर्ड है भाई ये Wi-Fi 6E के साथ में आता है। और एक बार इसकी भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, और इसके बाद इसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या है। यहाँ पे एक इन्होंने एंटीना डाल के रखा है, क्योंकि वाईफाई ब्लूटूथ तो अब नॉर्मल हो चुका है भाई, अगर इतना बड़ा मदरबोर्ड होगा तो ऑफकोर्स उसमें ये तो आना ही है। इसके अंदर भाई 4 RAM स्लॉट डाल दिए हैं, और एक हीटसिंक मुझे जैसे मैंने बताया था कि हीटसिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मदरबोर्ड में ऑलरेडी हीटसिंक लगी हुई है, एक हीटसिंक ये हो गई, और 2 SSD यहाँ पे लगा सकते हैं, दोनों में हीटसिंक लगी हुई है, तो मुझे लग रहा है कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। साथ में वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब है। एंड इसमें देख सकते हैं टाइप सी पोर्ट के साथ में DP HDMI 3.2 USB 2.0 USB 3.0 USB सारे पोर्ट्स अवेलेबल हैं। और मुझे लग रहा है कि भाई इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बोर्ड इतना हैवी है, तो यहाँ पे इसको फिलहाल रख लेते हैं, क्योंकि अब जो कंपोनेंट निकले हैं उसका भी जो है भाई इसमें कहीं ना कहीं लगाना ही पड़ेगा, पहले कर लेते हैं नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा तामझाम फैल जाएगा। एंड गाइस बात करेंगे पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई भैया ने जो ली है वो है डीपकूल की DQ1000M V3L। ये 1000 वॉट की पावर सप्लाई है। बात करेंगे ये पावर सप्लाई 80+ गोल्ड है। और वारंटी की बात करेंगे तो इसकी कंपनी वारंटी देती है 3 ईयर्स, 3 साल की वारंटी होती है, एंड डीपकूल की तरफ से है। और भाई डीपकूल ऑलरेडी भाई इतना फेमस ब्रांड है, हर कोई जो है डीपकूल की तरफ जाता है, वैसे मांगते हैं। और भी अगर इसके अलावा भी जाते हैं तो भाई आप गीगाबाइट में जा सकते हैं, ओरस भी बहुत अच्छी है, एंड NZXT जा सकते हैं, कोरशियर जा सकते हैं, उसमें भी जा सकते हैं, बट डीपकूल के लिए सबसे ज़्यादा अभी हमारे जितने भी वीडियो देखेंगे मैक्सिमम लोग डिमांड करते हैं। तो भाई इसकी अनबॉक्सिंग कर ले रहे हैं, और फिलहाल एक इसके अंदर भाई देख सकते हैं पहले पावर केबल एंड टाई, थोड़ा सा ये जो है पावर सप्लाई वो है फुल्ली मॉड्यूलर, तो क्या है कि सारी वायरिंग अलग कर दी है और पावर सप्लाई हमारी एक साइड कर दी है। तो पावर सप्लाई की बात करेंगे तो भाई देख सकते हैं इसकी क्वालिटी। एंड यहाँ पे भी भाई इसमें एक और पैकिंग करके दी है, तो यहाँ से थोड़ा सा कट मार ले रहे हैं, 80+ गोल्ड है एंड डीपकूल की तरफ से। तो भाई पावर सप्लाई हो गई और केबल सारी यहाँ पे आ गई, तो मैं फ़िलहाल इसको साइड में कर ले रहा हूँ अभी फ़िलहाल। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मैं बात कर लेता हूँ ग्राफिक कार्ड की, कि ग्राफिक कार्ड इस सिस्टम में कौन सा हम लगा रहे हैं। तो ग्राफिक कार्ड की अगर मैं बात करूँगा तो भैया ने गीगाबाइट का लिया है 4080 सुपर, और ये है आपका विनफोर्स। और इसकी वारंटी की बात करेंगे तो 3 साल कंपनी वारंटी देती है 4080 सुपर जो है, इसमें ग्राफिक कार्ड हम यूज़ कर रहे हैं। एंड इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं भाई, क्वालिटी देख सकते हैं भाई, पैकिंग देख सकते हैं गीगाबाइट की, ये बॉक्स की क्वालिटी देखो ज़बरदस्त है। एंड यहाँ पे एक ब्रोशर डाल दिया इन्होंने, एंड ये देख सकते हैं ये जो है 3 फैन का आपका ग्राफिक कार्ड हो गया।
अगर मैं बात करूं वेट को लेके तो 4090 से थोड़ा सा हल्का सा वेट कम होगा, 4090 थोड़ा सा ज़्यादा भारी होता है। बात करेंगे 4090 के वेट की तो समथिंग 4 किलो वजन होता होगा, और इसके वेट की बात करेंगे तो समथिंग 3 या 3 किलो के लगभग वजन होता है। और देख सकते हैं भाई, वजन से कोई लेना देना नहीं है भाई, बिल्ड क्वालिटी भी देखी जाती है। यहाँ देख सकते हैं कंप्लीट मेटल बॉडी है, और यहाँ पे पोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 आपके डिस्प्ले पोर्ट दे दिए, एंड 3 फैन हो गए यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ैन की क्वालिटी की बात करेंगे तो फ़ैन की क्वालिटी भी बहुत तंगड़े लेवल की है, क्योंकि अक्सर करके क्या है कि भाई फ़ैन वैन टूटने का, या वैसे क्योंकि फ़ैन भी डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का है। तो भाई मुझे लग रहा है कि ये तो तंगड़े लेवल का सिस्टम बिल्ड होगा ही होगा, एंड बजट पीसी तो नहीं कहूँगा, हाई एंड पीसी कहूँगा इसको, क्योंकि 4 लाख रुपये का पीसी है, और साथ में यहाँ पे केबल डाल दी है जो एक्सटेंड करने के लिए, एंड यहाँ पे कुछ स्क्रू डाल दिए हैं। तो ये सारे के सारे निकाल ले रहा हूँ क्योंकि अभी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जो है एक इसमें कार्ड होल्डर डाल दिया है एक्सटेंड, मतलब इसको थोड़ा सपोर्टिंग के लिए। फिलहाल ऑलरेडी मैं बात करूँगा अभी थोड़ी देर में आपसे कि कैबिनेट कौन सी दी है, तो कैबिनेट देख के और दिल खुश हो जाएगा। तो फिलहाल इसको हम फिलहाल अभी करते हैं साइड बॉक्स को। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा लिक्विड कूलर की, तो लिक्विड कूलर लगाना ही पड़ेगा ऑब्वियस, क्योंकि लिक्विड कूलर के बिना मज़ा नहीं आएगा। तो लिक्विड कूलर जो मैंने लगाया है वो भाई गीगावाइट का ही लगा रहा हूँ, और ये गीगावाइट का आपका ओरस हो गया, ओरस लगा रहा हूँ भाई, और ये है वाटरफोर्स 12360। ये जो है भाई अभी कुछ टाइम पहले ही जो है आया था, और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, फिलहाल अपने पास स्टॉक में अवेलेबल था, और भाई को मैंने फिलहाल यही सजेस्ट किया कि भाई ये लेते हैं। और ये जो है आपका 5 साल वारंटी के साथ में आया है, एंड इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं भाई। इसमें भी अगर जाओगे तो बहुत सारे मॉडल आते हैं, ये वाटरफोर्स 12360 है। ये देखो भाई, इसकी भी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे फ़ैन, जैसे अभी लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि यहाँ पे सारे के सारे फ़ैन जो हैं अलग अलग फ़ैन रखे हुए हैं, और कुछ लिक्विड कूलर आ रहे हैं जैसे डीप कूल के होते हैं या और बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, और ऑलरेडी उसके अंदर सब कुछ बिल्ड करके देते हैं, असेंबल्ड आता है, इसमें सब असेंबल्ड करना पड़ेगा अलग से। ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पे इसका रेडिएटर एंड डिस्प्ले, जो इसका डिस्प्ले है भाई वो बहुत बड़े साइज में है, मतलब बिग साइज है अकॉर्डिंग बाकी जितने भी मैंने अभी तक देखे हैं उसके अकॉर्डिंग, ये भाई बहुत तंगड़े लेवल का है। और यहाँ पे इसका जो डिस्प्ले है वो भी कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है, फिलहाल देखेंगे एक बार जब इसे चालू करेंगे और ये जब ऑन हो जाएगा उसके बाद भाई देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या से क्या क्या होने वाला है। इसकी भी अनबॉक्सिंग, यहाँ पे पेस्ट डाल दिया एक इन्होंने, थर्मल पेस्ट, दैट्स इट, इसमें अब खत्म हो चुका है, इसमें और कुछ है नहीं। अब बात करेंगे कैबिनेट की, तो कैबिनेट हमारा है P8 इसका मॉडल है, मैंने इसको डिस्प्ले में भी लगाया हुआ था भाई, इसके अंदर 22 फैन लगा रखे थे मैंने, और कहीं ना कहीं इसको देख के भाई थोड़ा सा इंस्पायर से हो गए भाई, मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है, एक्साइटमेंट में आ गई कि भाई ये अच्छा लग रहा है और इसी के साथ में बिल्ड करना है। 22 फैन लगा रखे थे इसके अंदर, और अब 22 फैन नहीं लगेंगे क्योंकि इसके अंदर आपका 360 लिक्विड कूलर भी लगेगा, एंड कुछ जो है फ़ैन लगाने हैं तो मैंने पहले RGB लगा रखे थे, बट इन्होंने कहा मेरे को चाहिए ARGB, तो फिलहाल ARGB क्योंकि ना थोड़ा सा रंग बिरंगा, मतलब रंगीन करना है इसको सिस्टम को, क्यों भाई? हाँ जी भैया, शायल भाई ने करना रंगीन, तो इसके अंदर लगाने हैं मुझे एंटी स्पोर्ट्स के सुपर फ्लो ARGB वाले फ़ैन, और इसके अंदर फ़ैन जो लगाऊंगा भाई 15 फैन लगाने वाला हूँ। अभी इसकी हालत देख लो कैसी है, और जब ये रेडी होगा तब इसकी हालत देखना कैसी है, एंड इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ भाई साहब 8 पिन एंड 24 पिन के RGB केबल्स की, तो ये RGB केबल्स ग्लो करने वाली हैं, मतलब कि इसी की एंटी स्पोर्ट्स की भाई केबल हैं 8 पिन एंड 24 पिन की केबल, ये लगने के बाद में ये सिस्टम की जो क्वालिटी है ना, जो 4 लाख रुपए का मजा तभी आएगा, अभी कुछ नहीं है, ढांचा है इसको रेडी, ये सब करने के बाद में देखो कैसा बनता है। तो गाइस चलो शुरू करें असेंबल करना भाई। हाँ बड़ी भैया, चलो भाई शुरू करते हैं असेंबल करना, और देखो भाई मजा आने वाला सच में इस वीडियो के अंदर।
गाइस फाइनली सिस्टम हो चुका है रेडी और देख सकते हैं जिस सिस्टम को आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था अब ये किस तरह से दिखता है। तो फिलहाल ये जो है सेटअप ये परफेक्ट तरीके से हो चुका है रेडी और वायरिंग एकदम प्रॉपरली। तो शायल भाई अब ये बताओ कैसा रहा एक्सपीरियंस? मजा आ गया भैया देख के सेटअप। मजा आ गया, अच्छा फील हो रहा है एकदम, बेस्ट जैसा सोचे थे आपने वैसा ही करके दिया या फिर बोले उससे भी अच्छा करके आपने दिया। तो हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं आप उधर देख के बोले प्लीज यार कि मजा आया या नहीं आया। बहुत मजा आया भैया। और सिस्टम रेडी होने में समथिंग 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगा है और अभी बात करेंगे अगर टाइम की तो भाई साहब 10:30 का टाइम हो रहा है, 10:30 बज चुके हैं रात के और सिस्टम रेडी हो गया। भैया थोड़े से लेट आए थे। सिस्टम की बात करूं तो भाई प्रॉपरली एक एक फैन यहां पे देख सकते हैं, एंटी स्पोर्ट्स के फैन लगे हुए हैं यहां पे। सिस्टम बनाने के लिए भाई प्रॉपरली अपने सामने असेंबल करवाया और बिल्कुल हिलके नहीं गए। फिलहाल जो है अगर मैं बात करूँ मेरे जो व्यूअर्स देख रहे हैं शायल भाई उनसे कुछ कहना चाहोगे? फिलहाल उससे पहले मैं भाई को करते हैं थोड़ा सा और खुश, उसके लिए करना है मुझे कुछ गिफ्ट भैया के लिए। तो मेरी तरफ से शायल भाई एक जो है एंटी स्पोर्ट्स का कीबोर्ड माउस एज ए गिफ्ट जिसके बारे में आपको कुछ भी बताया नहीं गया था और ये मेरी तरफ से एज ए गिफ्ट रहेगा क्योंकि आपका सेटअप है गेमिंग के लिए भी है, कहीं ना कहीं आपने गेमिंग भी करनी है तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। साथ में एक मैं माउस पैड देता हूँ आपको अपनी तरफ से। तो ये जो है दो चीजें मेरी तरफ से शायल भाई एज ए गिफ्ट और ये जो है आप ही का पैसा है, गिफ्ट भी आप ही के पैसे के हैं भाई, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। बस हमारा रोल सिर्फ इतना सा है कि जो पैसे मैंने प्रॉफिट में लिए हैं इनसे भैया से उसी में से कुछ रिटर्न वापस दे दिया भाई को। थैंक यू सो मच भाई, मेरा काम है। और कॉन्ग्रेचुलेशन भाई आपका सिस्टम प्रॉपरली रेडी हो चुका है, यहाँ पे ये लिक्विड कूलर वगैरह एकदम एवरीथिंग इज ओके। मैं अब बात करूंगा शायल भाई आपसे कि जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहोगे? व्यूअर्स को मैं ही कहेंगे अच्छा काम होता है, एकदम जेन्युइन वर्क होता है यहाँ पे, आप बेफिकर होके आ सकते हो अपना काम करवाने, एकदम अच्छा काम देते हैं और लगभग सब प्रोडक्ट भी अवेलेबल होते हैं तो आपको मिल सकते हैं तुरंत, वेट नहीं करना पड़ता आराम से जी तरीके से। तो भाई थर्मल टेक का ये कैबिनेट और खूबसूरती सिस्टम की, मजा आ गया मुझे तो भैया से भी मिलके सिस्टम को असेंबल करने में, सच में बहुत मजा आया। और फिलहाल दिखाते हैं हम आपको मॉनिटर। तो मॉनिटर भैया का है वो है आपका बेंक्यू का PD2705U और ये है 27 इंच का बेंक्यू का एंड ये 4K मॉनिटर है। इसकी बात करेंगे भाई इसकी अनबॉक्सिंग करने के बाद एक बार आपको मॉनिटर दिखाते हैं कि किस तरह का है एंड 4K मॉनिटर है। गाइस देख सकते हैं मॉनिटर जो है भाई 4K 27 इंच में, इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर भाई आपको एक टाइप सी पोर्ट, HDMI पोर्ट एंड DP पोर्ट इसके अंदर अवेलेबल है 3.0 USB के साथ में एंड हाइट एडजस्टेबल मॉनिटर है। और फिलहाल असेंबल जो है अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिलहाल 10:30 बजे का टाइम ऑलरेडी हो रहा है। फिलहाल एक बार भैया को डिस्प्ले चेक कराते हैं, टूटता है तो उसकी वारंटी बाद में नहीं मिलती है इसलिए हम जो है फिजिकली जरूर चेक कराते भैया। तो यहाँ से आपको फिजिकली चेक कराते हैं, असेंबल करने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे एक वीडियो भेजना और वो हम जो है अपने इंस्टाग्राम पे, मैं आप मुझे इंस्टाग्राम पे मेंशन कर देना, वहाँ पे मैं अपनी वीडियो आपकी वीडियो ये लगाते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।